हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, करंट अफेयर्स आज हम कराने वाले हैं। करंट अफेयर्स कुछ पॉइंट्स मैं आपको कराऊंगी, बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वहाँ पर इंटरव्यू में। और आपको पता ही होगा कि UP SSSC जूनियर असिस्टेंट की इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो आज है हमारी क्लास नंबर 11। बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, और आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज करके जाएंगे ज़रूर से ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि भी हाल ही के हैं तो अच्छे भी हैं और आप सबके लिए ज़रूरी भी है कि आप इसे जानें। तो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की चूँकि बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस, ठीक है, यूपी की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 21 अक्टूबर, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 2020 में जो है पुलिस स्मृति दिवस उत्तर प्रदेश का जो है वो मनाया गया था। तो 21 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था, तो मैं 2020 भी डाल दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें बताने वाली हूँ आपको सेकंड चीज कि उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया था, तो कब से कब किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ही बात है ये भी, उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव, तो पहले लिख दे रही हूँ मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव। यूपी का एग्जाम था, यूपी के क्वेश्चंस हैं इसीलिए कराए जा रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव 2020, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में, ठीक है। इसका आयोजन जो है लखनऊ में हुआ था, कब से कब हुआ था, तो ये 22 से 24 फरवरी, ठीक है, 22 फेब से लेके 24 फेब के मध्य जो है इसका आयोजन किया गया था। तो मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे, ये आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट थर्ड करंट अफेयर्स जो आपका ये है कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला डेस्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ कि यूपी में मिशन शक्ति अभियान, ठीक है, यूपी में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क, ठीक है, कि अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कहाँ की गई है या फिर कहाँ की जा रही है, तो ये प्रदेश के समस्त 1535 स्थानों में, ठीक है, प्रदेश के समस्त 1535 स्थानों में जो है मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज ये सभी जो है उत्तर प्रदेश से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है बात कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF, ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है लखनऊ में, ठीक है। ये कहा उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी यूपी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा बन रहा है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, तो मैं इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, पता होगा आपको, इसको बोलते हैं ICMR. ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा COVID-19 के पूर्व परीक्षण की अनुमति, ठीक है, द्वारा COVID-19 पूर्व परीक्षण अनुमति. ठीक है, अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य. किसको मिला है यह स्थान? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को ICMR के द्वारा COVID-19 पूर्व परीक्षण अनुमति प्राप्त करने वाला पहला देश बनाया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर सेवन कि उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य है. ठीक है, यूपी में क्या पहला गौ अभयारण्य है? ये सभी क्वेश्चन यूपी से रिलेट करते हुए हैं, तो इसको पढ़ के जाएंगे. का शिलान्यास, पहले गौ अभयारण्य का शिलान्यास कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका मिर्जापुर में. ठीक है, कहाँ हुआ है? मिर्जापुर में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर एट. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, उत्तर प्रदेश का वो हवाई अड्डा जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है. ठीक है, तो आपको पता होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, इन यूपी किसको दिया गया है? कुशीनगर हवाई अड्डे को. और एक चीज और मैं साथ में पूछना चाहूंगी, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएं कि कुशीनगर के अलावा कोई और भी क्या उत्तर प्रदेश में सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? अगर है तो आप कमेंट करके जरूर से उसका नाम बताएं. ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे हम. तो हमारा एट क्वेश्चन हो चुका है, एट क्वेश्चन के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा है क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जून 2020 में, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि सेवा मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? ठीक है, सेवा मित्र मोबाइल ऐप है ये एक, तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया है श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा. ठीक है, ये तैयार किया गया है श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ठीक है, देश का पहला विश्वविद्यालय है तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन आप सुन लीजिएगा, मैंने बोल दिया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय, ओके, फर्स्ट इन इंडिया, ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका कुशीनगर में, ये खोला गया है आपका कुशीनगर में. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11. उत्तर प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? ठीक है, यूपी की बात है, यहां पर भी सारी यूपी की ही बात की जा रही है, पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी. ठीक है, कहाँ प्रस्तावित है ये? तो ये लखनऊ में प्रस्तावित है, इसे ध्यान देंगे. क्वेश्चन नंबर 11 तक करने के बाद से अभी हम देख लेते हैं बाकी के 20 क्वेश्चन का सेट करा दूंगी आज मैं आपको.
ताकि कोई दिक्कत ना हो फिर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, ठीक है, फरवरी 2021 में आयोजित था इंटरनेशनल। बर्ड फेस्टिवल सभी लोग वाकिफ होंगे इससे, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल से, ठीक है, इन 2021। ओके, कहाँ पे? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया है, फरवरी 2021 में, सॉरी इन फेब ये किया गया था आयोजित गोरखपुर में। काफी चर्चा में रहा है ये, अभी कुछ दिनों पहले ही ये हुआ था अभी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाथ धोना रोके कोरोना, एक टैगलाइन है, हाथ धोना रोके कोरोना, ठीक है। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है 15 अक्टूबर 2020 को, क्लियर। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण केंद्र, ठीक है, गिद्ध संरक्षण केंद्र, आप कह सकते हैं कि जटायु संरक्षण केंद्र, ठीक है। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास हाल में किया गया है, कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश में। तो ये किया गया है 7 अक्टूबर 2020 को, और ये कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में किया गया है, तो ध्यान देंगे इसे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है, गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसने गंगा यात्रा का जो है आयोजन किया था, तो जो है आपका उत्तर प्रदेश, ये देश का पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, कोविड-19 से निपटने के लिए, टीम 11, ओके, टीम 11 का गठन किसके द्वारा किया गया? टीम 11 का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो 4 क्वेश्चन को भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि 4 क्वेश्चन और कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 है कि देश की सर्वाधिक MSME, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम MSME, MSME मतलब क्या होता है? तो ये होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, सबसे अधिक कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य, जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला, तो ये देश का जो पहला राज्य है वो है आपका उत्तर
प्रदेश, ये भी है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यू राइज पोर्टल, ठीक है, यू राइज पोर्टल, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है, लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट। और जो इसको लॉन्च किया गया है तो कब लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया था 24 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है, ठीक है, फिल्म सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि कहाँ प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, ये प्रस्तावित है गौतम बुद्ध नगर में। तो ये मैंने 20 क्वेश्चंस का सेट जो है आपको कराया है आज, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है उसमें अच्छे अच्छे हैं और उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हुए हैं। क्योंकि साइंस की क्लास मैं चलवा रही थी, तो मैंने आपको साइंस की क्लास दी है, उसको पढ़ते रहें, साथ में करंट भी देखते रहें और साथ में यूपी जीके यूपी स्पेशल भी देखते रहें। तो जो चीज़ें हो पा रही हैं वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी चाहिए आपको आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।